बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। लाइट्स कैमरा एक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? अभी अभी जो आपको गाना दिखाया उसमें कुछ ऐसा ही हाल हमारे इंडिया के लोंडों का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नौजवान और हमारे लोटे ऐसे गाने सुन सुनकर ऐसे घर में लूटे पीटे और चुसे हुए। छुआरा लेगा छुआरा, मुझे तो मुझे लगता है छुआरा भी उनसे मोटा होने लगा है। चुसावा आम, मुंह सूख कर चुसावा आम हो गया है। लड़की से कटवा कर घर में लौटे हैं और स्टेटस डाले हैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, हमें सीधा क्यों नहीं कह देते और रूम जाना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ना अभी बात नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसी हरकतें करने पर तुले पड़ा है जिनका दुनिया में ना तो कोई मकसद है और ना कोई मेरा अस्तित्व है। मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं, और इनमें सबसे भयानक हरकत तो मुझे प्रैंक की लगती है। प्रैंक की क्यों लगती है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में इतनी बीमारी नहीं है जितने प्रैंक है। कभी कभी तो मेरा दिमाग मुझसे ये कहता है कि बेटा दुनिया में इतनी बीमारी जितने प्रैंक है। मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया प्रैंक दुनिया में नहीं चलते बल्कि ये दुनिया प्रैंक में चल रही है। अब तुम इस हरकत को देख लो, इस प्रैंक को देख लो। आज मैं प्रैंक करने वाला हूँ शिखा पे। तो आज की वीडियो बहुत हार्ड बनने वाली है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने मज़े लिए जाएं, आपको भी गर्मी दी जाए थोड़ी। हिम्मत और दम देख रहे हो इस लोंडे का? सब्सक्राइबर देख लो, लोंडे का फैंच दिए। लोग आते कहां से है जिसके सब्सक्राइबर थे? मैं तो समझ में नहीं आता है ये पैदा कौन करता है इनको, और ये प्रैंक करने की बात कर रहा है, प्रैंक गर्मी देने की बात कर रहा है। मुझे तो इसके इरादे नेक नहीं लग रहे, ये तो कुछ और ही लेने की बात कर रहा है गर्मी के साथ साथ। तो आज की वीडियो बहुत हार्ड होने वाली है दोस्तों, पूरी वीडियो देखना ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारा चैनल को सब्सक्राइब करने को तो ऐसा कह रहा है जैसे पता नहीं इसमें कितनी मतलब कितनी नॉलेज वाली कितनी ज्ञान वाली वीडियो देने वाला, और सारा झूम कर ऐसा कह रहा है जैसे सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सारे शिकायत ऐसी है जैसे चुसावा आम है, ऐसा हो रहा है जैसे हवा पन्नी उड़ रखी है, पन्नी भी से मोटी होगी। पता था मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ ना, तुम्हें ठंड लग रही तो मैं तुम्हें गर्मी दे देता हूँ ना फिर। हैं? अच्छा। कैसा? कैसे? इधर बताओ। ऐसे। ऐसे आते क्या कर रहा है? ऐसे दी जाती गर्मी? चुम्मा लेके गर्मी दी जाती है? यार मैं एक्चुअली आपको इसलिए मैंने बुलाया, मेरे को ये बात करनी थी कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, ठीक है? आज पंजाब जा रहा हूँ, आज 3:30 तो हो गई है, घंटा भी मेरे पास तो रेडी वेडी होके मैं निकलूंगा किसी कुछ जरूरी काम। जरूरी काम। इसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, पंजाब जाने से पहले ओयो रूम ले जाएगा। अच्छा सुनो, पप्पी दे दो, फिर अब जा रहा हूँ मैं। हैं? पप्पी चाहिए? हाँ। ठंड बहुत है, मैं जाते जाते प्रसाद ले लूंगा। प्रसाद पप्पी पप्पी लेके जाएगा पंजाब? क्यों नहीं दे रही? मेरे को तो चाहिए ना। तेरा मन नहीं है तो मैं तेरे मन से क्या करूंगा? मेरे मन से होगा ना जो होगा, मेरा मन तो है ना। क्यों तो कहीं का दादा है जो तेरे मन से होगा? हो गया अबे बस कर, कितनी चुम्मे लेगा साले, मर जाएगी वो साले, यमराज बिठाने नहीं आएगा तुझे। बात कुछ ऐसी है, ठीक है? मेरा मूड बन गया, ठीक है? ओयो चल लेगा। क्या? ये क्या सुन रहा हूँ मैं तो पहले कह ही रहा था कि रूम ले जाएगा, ये तो सच में ले जा रहा है। अबे मत लेके जा साले, जितना है उससे भी ज्यादा हल्का हो जाएगा। ओयो चल मेरे को, ठीक है? कपड़े पहनो बे। ओयो चल मेरे को, सड़क पे नंगा हो गया मेरे को, ठीक है? जल्दी चलो, ओयो चल, ओयो चल, नहीं तो जाड़ी में चल। ओयो रूम ले, इतनी गर्मी आ रही है जाड़ी में, खपा खप करके आ जाएंगे। हाँ। गाड़ियों में चलो फिर, ठीक है? मैं पैंट खोल रहा हूँ, तो ओयो चल ले। मैं पैंट खोल रहा हूँ, कोई पुलिस बुला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पहले मैं मारूंगा फिर तुम्हारे। पहले मैं मारूंगा। ओ भाई मुझे मार। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। जाने मन एक तरफ से जाने मन कह रहा है, एक तरफ ओयो रूम जाने कह रहा है। चल ऐसा प्यार करता है तू? क्या ऐसे मोहब्बत नहीं चलती? ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तंग आ चुका हूँ, प्रैंक टीवेज वगैरह सब करने लगा हूँ, और इनमें से एक सबसे महामारी बीमारी और चली है टीवेज लगाने की। फैशन चल रहा है इंस्टाग्राम पे, फैशन चल रहा है स्टेटस पे, एक लड़की आती है अपनी स्टोरी लगाती है, उस पर लिखते है कि मेरे से मतलब क्वेश्चन पूछो कुछ भी पूछो, और पता है उस पर ऐसे ऐसे लड़के भी आते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, पैदा हो गए। ओ बैठो भाई मारो मुझे। अब तुम अगला स्टेटस देख लो, स्टेटस तो ऐसे लगा रखा है जैसे पूछ लो कुछ भी, इसके खानदान के बारे में पूछ लो, लगाते ऐसे रखा है जैसे सब कुछ ही बता देगी तू।
फोटो नहीं है मेरे पास, गाना खुद चुन लो। और टीवी लाखों को भी देखा नहीं है, तू पेंशन लिख क्यों रखा है, लिख क्यों रखा है, पूछ लो कुछ भी, तो तेरा फायदा क्या है, स्टेटस लगा देगा। स्टेटस भी देख लो, ये लौंडा तो बिल्कुल तावला हो जा रहा है, कह रहा है फिलहाल तो मूड नहीं है कुछ पूछने का, जो तुम्हें बता रहा खुद ही बता दो। तो मैं तेरे सपने आ रहे हैं उसको, रात को सोते सपने आते हैं उसको तेरे, जो बता दे खुद ही, आते कहाँ से है ये लोग। Wait a minute. इनका पास नहीं चलता, नहीं तो टीवी में ये भी कह रहे हैं कि आई एम हैप्पी चैट, आई में स्वागत है। वो तो इंस्टाग्राम में कुछ लिमिट्स रख रखी हैं, अब तक क्वेश्चन पूछने के लिए इजाजत दिया नॉर्मल लोगों को, नहीं तो इनका पास नहीं चलता, अपनी नेक पे फोटो डालते स्टोरी, इन स्टेटस वालों को पास नहीं चलता, नहीं तो स्टेटस में भी अपनी शादी के अगले दिन की फोटो लगा देंगे, दोनों नंगे खड़े होकर। दुनिया में ऐसे ऐसे काम नाम है और कांड देखकर मेरी बुद्धि हिल चुकी है, ऐसे इनका टाइम नहीं मिलता कहाँ से है। और इन्हीं बीमारियों से एक मेरा दोस्त फंसा पड़ा हुआ है, साले की सुबह स्टेटस देखती होती है, आप खुलते नहीं स्टेटस पहले खुल जाता है, अच्छे मजाक बना रखा है इन्होंने, क्या जी पहन के। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। कौन फ्रेंड्स, कुछ भी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं, ये बात मैंने क्यों बोली इसका मतलब समझ में आ जाएगा। मजा आया, देख ज्यादा चल गया क्या, अभी तो पूछ रहा है चाय से मुंह कितना चल गया, ज्यादा तो नहीं चला, बाद में तुम्हें नहीं पता सर क्या हाल होने वाला। सुबह सुबह बचपना करती रहेगी, थोड़ा ध्यान ही रखना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को देखकर मेरी बुद्धि बिल्कुल हिली पड़ी है, मुझे कॉलिंग का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, बाबू सोने और जान उबानो या मेरे बाबू खाना था इसमें खत्म नहीं होता। लोग देख रहे हो लड़े को। कितनी दर्दनाक मौत मरने वाला है, और ये कोलिंग का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, बाबू सोने और जान उबानो या मेरे बाबू खाना था इसमें खत्म नहीं होता। लोगों ने एक नया फैशन नोट चला रखा है, बात करके स्टेटस डालते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ ट्विटर। मारो मुझे मारो मारो। मैं बस कुछ गुड न्यूज़ है, सुनो सुनो बोलो। फर्स्ट ये मेरी जॉब लग गई। ताक हो रहा है भैया भूसरी का, ये सोच रहा है यहाँ पे किसकी शादी हो जाएगी से, लेकिन मैं बता दूँ जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो कभी होता नहीं। अब समझ में आया था क्यों बोला था मैंने। वैसे एक बात पूछनी तुमसे, ऐसे कैजुअली ऐसे कुछ नहीं कि मेरे को मन कर रहा है, मेरे को मन कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं, मतलब बस कैजुअली। सीधी बात समझा रहा हूँ, अभी चला जा टाइम है, नहीं तो बाद में तेरा काट के चली जाए। हमारे फटने को ये यमराज को बुलावा दे रहा है क्या, हमारी फसकी कब होगी। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। A few moments later. अब इसी रिलेशनशिप को चलते चलते 2 साल हो जाते हैं, लौंडा सोचता है लौंडे के घर जाऊंगा उससे शादी करूंगा, अब लौंडा लौंडे के घर जाता है और लौंडे बाहर निकल के कहती है चल बाजुड़ी के, चली के, बाजुड़ी के। ब्रेकअप होने के बाद लौंडा का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ब्रेकअप करके पत्नी गली से निकल लेती, अपने पेरेंट्स का बहाना बना देती, अबे जब ब्याह नहीं कर रहा था तो प्यार ही क्यों कर रहा था, अब उसको अपने माँ बाप याद आ रहे। लोने अपने पेरेंट्स का दावा करके एक काले लोने शादी कर दिया, काला जिसकी सरकारी नौकरी होती है। जिस लोने को छोड़ा था वो धोखा खाकर चौराहे पर आशिक बना फिर रहा। तेरे बिना नहीं रह सकता। शायरी में तो महारत हासिल करके बैठा है, शेर तो ऐसे लिख रहा है कि उसके सामने डॉक्टर इंदौरी भी फेल हो रखा है, इंस्टाग्राम पर उसके स्टेटस हाथ नहीं आ रहे, तुम भी देख लो एक बार कैसे कैसे स्टेटस डाल रहा है व्हाट्सएप पे। बेख्याली में भी वक्त ने है किया हम तेरे बिन अब रहने। कुछ स्टेटस का ड्रामा चलने के बाद लड़के को होश आता है, फिर लड़के को 6 महीने बाद होश आता है, वो IAS ऑफिसर बन के आता है, और फिर गाना चलता है
टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्ज़ी का अब अंजाम देखेगी। कुछ साल तक इसी गाने के इश्क चलते रहते जब तक वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता, और जब लोग आईएएस ऑफिसर बन के आता लड़के घर जाता, लड़की कोशिश करती है बात करने तो लड़की मुझे आवाज आती है शादी करेगी, तो वो सुन लो जरा, रुको जरा, सबर करो, सबका कटेगा। तो गाइस आज की वीडियो में गुंजा नहीं हो गया, तो आज की वीडियो को गाइस यही समाप्त करते हैं। और 2020 में जिस जिस लड़के का भी कट चुका है वो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को छोड़ दे, क्योंकि वहां पर आपको मेरी भी कमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके भाई का भी कट चुका है और पूरे 14 महीने 9 दिन तक कटा है, और भाई साहब जिसने भी काटा है बहुत खतरनाक थी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर, 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ, अगर आप लोने वाली से बहुत परेशान आ चुके हैं तो इसके बाद दिखाई जाने वाली वीडियो को पूरा देख कर जाए। धन्यवाद। सब कुछ इतना अच्छा था, लौंडियाबाजी ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। लौंडियाबाजी, हस्तमैथुन, बीएफ, बुर मसाला, योनी आपका जीवन उजाड़ देते हैं। आज ही छोड़ने के लिए कॉल करें 001-23-45 लंड जनित में जारी, तुम्हारी गांव हमने ही